अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ बिल्कुल यहाँ पे आ गई हूँ। और आज की वीडियो असल में उसी वीडियो से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने एक साथ एक वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो काफ़ी लंबी हो जाती और किसी के लिए भी देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको। तो मैंने उसे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहा, जिसका टॉपिक आप लोग को थंबनेल में तो दिख गया होगा, कैप्शन में दिख गया होगा कि क्या टॉपिक है। तो आज का टॉपिक ये है कि मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली जो थी, उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया जब उनको पता चला कि मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था। सबके लिए एक शॉकिंग था, एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी कि इतनी सी एज में आपको कैंसर होना, एक क्योंकि मैंने लोगों को देखा था कि काफ़ी लोग जो एजड थे वो कैंसर से डायग्नोज होते थे और कैंसर की उनसे उनकी ट्रीटमेंट होती थी, लेकिन मैंने कभी किसी इतने छोटे टीनेज इंसान को नहीं देखा था कैंसर में। मेरी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना कि मुझे कैंसर था। उनके लिए मेरे पूरे ट्रीटमेंट को देखना, मेरी तकलीफ को देखना, उसको देख के गुजरना बहुत मुश्किल था। मेरे फ्रेंड्स को, बहुत कम फ्रेंड्स को पता था शुरू में कि मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था। और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स को जब इस बात का पता चला तो वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा शॉक में चली गई थी, रोने लग गई थी। लेकिन मुझे अलाउड नहीं था उनसे मिलना बिकॉज मुझे इन्फेक्शंस के काफ़ी हाई रिस्क थे और मैं किसी भी आउट किसी भी बाहर के इंसान से नहीं मिल सकती थी उस वक्त फॉर लाइक अ मंथ। और मेरे साथ जो मेरी फैमिली में से भी दो लोग रह सकते थे जिनको जो बिल्कुल रिस्क फ्री हो किसी भी तरह के इन्फेक्शन या फ्लू से, बहुत मुश्किल था। जब मेरे दोस्तों को पता चला, किसी ने मानने से इनकार कर दिया, किसी ने मानने से इनकार कर दिया, किसी को यकीन नहीं आया। पर इन द एंड आपको यकीन आ ही जाता है कि ठीक है। मैंने काफ़ी और तकलीफ में गुजारा था, पर मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे जितना भी डिफ़िकल्ट और जितना भी एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजरा हुआ वक्त था, ये बहुत सपोर्ट चाहिए होता है आपको, बहुत विल पावर चाहिए होती है इससे फाइट करने के लिए, और आपका बिलीव चाहिए होता है आपके गॉड में कि आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरह। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल की, मुझे सपोर्ट किया, मुझसे मिले, मुझसे बात की, मुझसे पूछा कि सब चीज़ें कैसे जा रही हैं, किस तरह हो रही हैं, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। बहुत सपोर्ट किया। कुछ लोग थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं भी किया, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। बट जिन्होंने सपोर्ट किया, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मेरे बुरे वक्त में इतना मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद भी ये नहीं कि जब मेरा टाइम या जब मेरी ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई या रिकवरी फेज़ में आ गई तब छोड़ दिया, नहीं। पर कुछ बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे उस वक्त मेरा साथ नहीं छोड़ा और आज भी पूछते हैं। कुछ मेरे दोस्त अभी भी वही हैं मेरे साथ जो मेरे उस वक्त एक बैकबोन की तरह मेरे साथ खड़े थे,
और आज भी उसी तरह मेरे बैकबोन के साथ, मेरी बैकबोन की तरह खड़े हैं मेरे साथ, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और जो ये देख रहे हैं उनमें से कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो जानते हैं कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं कभी कह नहीं सकी, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं अपनी फैमिली, अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जितने भी, जिनको मेरी उस सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता है, उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी बहुत ज़्यादा कि उन्होंने मेरे इतने इतने डिफ़िकल्ट टाइम में मेरा साथ दिया और इतना मुझे सपोर्ट किया, इतना मुझे उस चीज़ से निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस डिज़ीज़ में या इस तरह की कोई भी डिज़ीज़ में जिसमें आपकी मेंटालिटी, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ चैलेंज होती है, आपको किसी न किसी की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है हर वक्त, जो आपको सपोर्ट करता रहे। मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स मेरी बैकबोन थे, मेरी हर तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, हर तरह से, हर सिचुएशन से मुझे निकाला है। और उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि एक इंसान को पॉजिटिव रखना हर वक्त, क्योंकि हर इंसान हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकता, बहुत मुश्किल होता है किसी को भी पॉजिटिव या पॉजिटिव वाइब्स देना, लेकिन उन्होंने ट्राई किया और मैं अप्रिशिएट करती हूँ सबको, चाहे वो मेरी फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हैं जो कि कुछ हैं और जिन्होंने मेरी बहुत कुछ अच्छा रिलेटिव्स हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। थैंक यू बोलना चाहती हूँ उनको भी। एक साल में मैंने बहुत लोगों को एक्सप्रेस नहीं किया कि मैं कितनी थैंकफुल हूँ उनके लिए, वो मेरी लाइफ में आके उन्होंने जिस तरह मुझे एक स्ट्रॉन्ग बंदे की तरह ट्रीट किया, तो मैं बस उनको थैंक यू कह सकती हूँ और उनके लिए दुआ कर सकती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें, और बस यही कह सकती हूँ, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती जितना उन्होंने मेरे लिए किया। डिफ़िकल्ट बहुत था उनके लिए भी मेरे लिए भी, लेकिन सबने पॉजिटिव वे में लिया, सबने जब मुझे पॉजिटिव वे में लिया, बिल्कुल उन्होंने मेरे सामने कुछ शो नहीं किया कि दे आर वरिड अबाउट मी, कि परेशान हैं या किसी भी तरह की चीज़ या कुछ भी, उन्होंने कभी मुझे शो नहीं किया, हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश की कि मैं स्ट्रेस ना लूँ किसी भी चीज़ का, और बिल्कुल चल रहा हूँ। लेकिन इंसान हर वक्त नहीं रह सकता चल, ना हर वक्त उसकी विल पावर इतनी उसको पॉजिटिव रख सकती है, लेकिन जितने भी टाइम मुझे पॉजिटिव रखा वो मेरी इन्हीं लोगों ने रखा, और इनका रिएक्शन मेरे लिए भी मुश्किल था, उनके लिए भी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इन द एंड आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनसे आगे निकल जाते हैं बहुत, और बस ये वीडियो का सेकंड पार्ट था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और कुछ और पार्ट्स भी हैं जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आएंगे और उनके बारे में डिस्कस होगा, वो एक अलग टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड, बट एक अलग टॉपिक के और क्या क्या हुआ इस जर्नी में मेरे साथ, और बाकी लोग इससे किस तरह सीख सकते हैं या इंस्पायर हो सकते हैं या देख सकते हैं कि वो भी आगे इस तरह हो सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह। और ये एंड था मेरी वीडियो का, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेम पॉजिटिविटी के साथ। बाय बाय। ये वीडियो का सेकंड पार्ट था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और कुछ और पार्ट्स भी हैं जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आएंगे और उनके बारे में डिस्कस होगा, वो एक अलग टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड, बट एक अलग टॉपिक के और क्या क्या हुआ इस जर्नी में मेरे साथ,
और बाकी लोग इससे किस तरह सीख सकते हैं या इंस्पायर हो सकते हैं या देख सकते हैं कि वो भी आगे इस तरह हो सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह। और ये एंड था मेरी वीडियो का, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेम पॉजिटिविटी के साथ। बाय बाय।